हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों सुबह के 9 बज रहा है और अभी मैं निकला हूँ घर से, और आज का मौसम देख सकते हैं ठंडा है, बादल लगा हुआ है और हवा भी चल रहा है। दोस्तों चलते हैं, दोस्तों फर्स्ट वार्निंग होने के बाद फिर मिलते हैं। मैं 3 गांव अभी तक घूम लिया हूँ। टाइम दोस्तों 1:30 बज रहा है और सेल दोस्तों अच्छा हुआ है, लगभग 1800 का सेल हो गया है। फिलहाल चलते हैं दोस्तों अगला गाँव ननकार सिमरदा बालगामा की तरफ। तो दोस्तों टाइम अभी 6:30 हो रहा है और 1 बजे के बाद से दोस्तों ननकार सिमरदा नरकटिया 3 गांव घूमा हो न रहा, नरकटिया नहीं न रहा, 3 गांव घूमा हो दोस्तों। 3 गांव में शाम हो गया। अभी सेल की बात करें दोस्तों, सेल भी मस्त हुआ है। कल जो है ना, कल हमने दूसरा लक्ष्य प्लान बनाया, यानी कि इससे पहले हमने फेरी करता था तो हिसाब साब नहीं करता था, ऐसे अंदाज से ही कितना का सेल हुआ, कितना इनकम हुआ, कमीशन के हिसाब से मैं निकाल लेता था कि कै परसेंट इनकम हुआ है उस हिसाब से। लेकिन कल हमने दूसरा प्लान बनाया, डेली हमको इनकम निकालना है जोड़ करके जो भी इनकम होगा। और दोस्तों हमने टारगेट जो है ना 1000 प्रतिदिन का लगाया कि प्रतिदिन 1000 रुपये हमको कमाना है, बचाना है। ये टारगेट हमने पूरा कल बनाया था तो हमने टारगेट कम्प्लीट कर लिया है। और कल जो है ना, कल फेरी किया था, कल सही से फेरी नहीं कर पाया, 1000 नहीं हुआ, 400 ही बना था, 600 रुपये उसमें कम है। तो आज हमारा 1200 हुआ है, जिसमें 100 खर्च हुआ तो 1100, यानी कि माइनस प्लस करेंगे तो 500 रुपया और हमको लक्ष्य के लिए करना है, जो कि मुझे 1000 टारगेट पूरा करने के बाद 500 एक्स्ट्रा मुझे कमाना पड़ेगा। तो डेली लक्ष्य, कमाई वाला लक्ष्य जो है पूरा होगा। वो आज का सेल दोस्तों ठीक ठाक हुआ है। फिलहाल चलते हैं दोस्तों घर। तो फाइनली दोस्तों भी आ गया घर, और दोस्तों भी खाना अभी देख सकते हैं कि रोटी अभी बन चुका है, सब्जी बनने का बाकी है, क्योंकि सब्जी लाया हूँ तो बन रहा है अभी, तो अभी सब्जी में लेट है अभी। और इधर कृष्णा अभी खेल रहा है। कृष्णा खाना खाला? कदी खाला रोटी और सब्जी। दोस्तों अभी रोटी खाली खाया है कृष्णा, और अभी सब्जी में देर है तो सब्जी बन जाएगा, फिर खाना होगा। अभी दोस्तों 7:45 हो रहा है, तो अभी आज का हमारा लक्ष्य क्लियर हो गया। ओके, मतलब कंप्लीट हो गया। लक्ष्य बना लेते हैं ना तो उस पर काम करते हैं फोकस के साथ तो हो जाता है, तो इसलिए जब भी काम करें तो लक्ष्य बना के करना चाहिए। और लक्ष्य पूरी तरह से है ना, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि वो संभव हो, पूरा हो सके। ये नहीं से ऐसा इतना भारी लक्ष्य बना ले कि वो पूरा हो ही नहीं पाए। इसलिए अगर ऐसा बनाएंगे तो नहीं पूरा होगा तो फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर काम करने का भी मन नहीं करेगा। इसलिए ऐसा लक्ष्य बनाए जो कि पूरा हो सके। और 12 भी लक्ष्य बनाया तो उसको जो है तोड़ तोड़ करके छोटा छोटा लक्ष्य में बांट करके फिर कंप्लीट करें तो मोटिवेट भी रहेंगे और आपका लक्ष्य ओके भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लाइक कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह फिर से और न्यू ब्लॉग्स के साथ। तब के लिए देते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।